सबसे पहले कि जो हमने फूड इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, वो जो फूड इनटेक करते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो ब्रेक डाउन होता था स्मॉल यूनिट्स में। उसके बाद फिर ये डिसॉल्व हो जाता है हमारे ब्लड में। उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये प्रोसेस हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास एक ही चीज़ है। इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, पैनक्रियाज और स्टमक वगैरह सारे होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या, एक ट्यूब होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। ये रहा हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होगी और एनस पे ख़त्म होगी, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होगा। अच्छा, हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे हम लोग फूड इनटेक करते हैं वैसे ही हमारे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है कि फूड हमारे पास ब्रेक डाउन होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था फूड ब्रेक डाउन दो तरीक़ों से होता है, केमिकल होता है, एक फ़िज़िकल होता है। केमिकली और फिज़िकली ब्रेक डाउन होती है फूड की। यहाँ पर फिज़िकल ब्रेक डाउन कैसे होती है, जो हम लोग चबाते हैं फूड को उसके वैसे वो हो जाती है फिज़िकल ब्रेक डाउन। केमिकल ब्रेक डाउन कैसे होती है, डाइजेस्टिव सलाइवरी ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। हमारे पास जो सलाइवा होता है, सलाइवा बेसिकली थूक को कहते हैं, तो वो सलाइवा हमारे पास फूड को सॉफ्ट कर देता है। और सलाइवा ही एंजाइम्स प्रोड्यूस सीक्रेट करता है। कौन से एंजाइम सीक्रेट करेगा, वैसे सलाइवा बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, लेकिन जो हमारे पास डाइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है एमाइलेज, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फिर ये एमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है स्टार्च की, स्टार्च को ब्रेक डाउन करवा देता है। और वो किस में ब्रेक हो जाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था। ये डाइजेशन कहाँ पे अगर हो रही थी, माउथ में ही। माउथ ये फंक्शन कहाँ पे अगर हो रहा था, माउथ में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है, माउथ के बाद हमारे पास माउथ में इसकी वो ब्रेक डाउन हो गई फूड की। इसके बाद ये आता है थ्रॉट में। थ्रॉट मसल्स हेल्प करते हैं इस फूड को फर्दर डाउनवर्ड स्टमक में, स्टमक तक लाने के लिए। कैसे होता है, थ्रॉट मसल हमारे पास फूड फेरिंग्स में लेकर आते हैं, और फेरिंग्स हमारे पास कहाँ पे लेकर आते हैं, ओसोफेगस में। ओसोफेगस यहाँ पे ऐसी कोई डाइजेशन तो नहीं हो रही होती, और लेकिन इसका बस फंक्शन ओसोफेगस का यही है। ओसोफेगस का मेन फंक्शन ये होता है कि जो है ये हमारे पास फूड को डाउनवर्ड मूव करवाता है, स्टमक में लाता है, ठीक है। यहाँ से फूड मूव होके स्टमक में आता है। जैसे ये ओसोफेगस हमारे पास एक नैरो ट्यूब होती है, जो कि नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, फेरिंग से स्टार्ट होती है और एंड हमारे पास स्टमक पे होती है। फिर क्या होता है, फूड हमारे पास ओसोफेगस से स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक जो है हमारे पास क्या, इसकी जो वॉल होती है, स्टमक की जो वॉल है, ये किससे लाइंड हुई होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे पास कुछ सिक्रीशंस होती हैं। क्या क्या सिक्रीशंस होती हैं, वो पेप्सिनोजेन होता है, वहाँ से एक सिक्रीट गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी प्रोडक्शन करवाता है। यहाँ पे जो रोजी है, रोजी में हमारे पास फूड मिक्स हो जाता है, सही, इन पेप्सिनोजेन के साथ मिलके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके और लाइपेज के साथ मिलके मिक्स हो जाता है फूड। इसके बाद पेप्सिन, जो हमारे पास पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिन एक हमारे पास एंजाइम है जो कि क्या करवाता है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इसको हम लोग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं। फिर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, हमारे पास हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई जर्म वगैरह, तो उसकी उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर क्या करता है, ये मिलके पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके हमारे पास प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। स्टमक से फूड स्टमक में पता चल गया हमारे पास क्या, किसकी ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन की। स्टमक से फूड हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके ज़रिए आता है, ड्यूओडेनम के ज़रिए। ड्यूओडेनम कनेक्ट करता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को, आपस में कनेक्ट करता है। तो ड्यूओडेनम में क्या होता है, ड्यूओडेनम में हमारे पास डाइजेस्टिव जूस की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर किसके ज़रिए होती है, लिवर और पैनक्रियाज में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, और वो ड्यूओडेनम में आ जाते हैं, जहाँ पे फिर ड्यूओडेनम में आके ब्रेक डाउन करवाते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च की। सही, हमारे पास ये बता देते हैं कि ड्यूओडेनम हमारे पास क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को। अच्छा, फैट ब्रेक हो के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है, स्टार्च, और वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड और शुगर में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्यूओडेनम में
डुओडेनम में आया था फूड, डुओडेनम से हमारे पास इलम में आ जाएगा। इलम भी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत सारे विलाए होते हैं। विलाए हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, विलाए में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स हो गई। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। पीछे मैंने बताया था ना कि यहाँ पास फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में। तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, फाइबर, एक्सेस वाटर, मिनरल सॉल्ट, ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पास यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आएगा, कोलोन, ठीक है। कोलोन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर और कुछ डिजॉल्व विटामिन्स होंगे वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बॉडी उसे यूज़ कर लेगी। बाकी जो हमारे पास सेमी सॉलिड